महाराष्ट्र में एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री कैंडिडेट कौन होगा, इसको लेकर शिवसेना और बीजेपी का विवाद अब खुलकर सामने आ गया है। लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत के बाद बीजेपी दावा कर रही है कि गोपीनाथ मुंडे या देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। वहीं बीजेपी के इस दावे को खारिज करते हुए शिवसेना खुलेआम उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही है। पूर्व रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार को उन्हें नेता मनोनीत किया है। राज्यसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता की घोषणा भी जल्द होने की संभावना है। पाकिस्तान की पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी खर ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। हिना ने कहा कि नरेंद्र मोदी को लेकर लोगों के विचार बदले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट मीटिंग में अपने सभी मंत्रियों से योजनाओं को समय से पूरा करने के साथ साथ जनता को पारदर्शी और प्रभावी शासन देने की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने बैठक में सभी मंत्रियों को साफ कर दिया कि नाम हो या काम हो, कोई दाग बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। हर किसी को पूरी जवाबदेही के साथ जिम्मेदारी निभाते हुए जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। काले धन को लेकर मोदी सरकार की बनाई गई एसआईटी की पहली बैठक हुई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केंद्र सरकार ने अपने पहले ही कैबिनेट बैठक में इस एसआईटी को मंजूरी दी थी। मूल रूप से विदेशों में जमा काले धन को भारत लाने को लेकर अपनी रिपोर्ट देना है। बैठक में काले धन से निपटने की नीति, मौजूदा जांच की स्थिति और सभी विभागों के पास इस बारे में उपलब्ध ब्यौरे पर विचार विमर्श किया गया। जस्टिस एमवी शाह इस एसआईटी के अध्यक्ष हैं, जबकि जस्टिस अरिजीत पश्तायत इसके उपाध्यक्ष हैं। इनके अलावा सभी खुफिया विभागों, राजस्व विभागों के प्रमुखों, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर को इसका सदस्य बनाया गया है। बदायूं रेप कांड के आरोपियों की तलाश में पुलिस लगातार दबिश डाल रही है, लेकिन ये मामला लगातार गर्माता जा रहा है। गृह मंत्रालय की ओर से मामले को SC/ST एक्ट के तहत दर्ज करने के निर्देश के बाद अब यूपी पुलिस के IG लॉ एंड ऑर्डर सामने आए हैं। उनके मुताबिक पीड़ित परिवार दलित बिरादरी का नहीं है, बल्कि उसका ताल्लुक पिछड़ी जाति से है। इसी बाबत इस मामले में SC/ST एक्ट नहीं लगाया जा सकता। क्लियर है स्थानीय स्तर पे कि इसमें जो जाति है वो अट्रैक्ट नहीं करती SC/ST एक्ट को। उत्तर प्रदेश के साथ ही दूसरे राज्यों में महिलाओं के प्रति हो रही हिंसा के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पर मुस्तैद है। उत्तर प्रदेश में बढ़ती घटनाओं की बिना पर कैबिनेट मंत्री कलराज मिश्रा ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं, तो साथ ही केंद्र सरकार की ओर से महिला हिंसा के खिलाफ कड़े कदम उठाने का भरोसा भी दिया है। इसके साथ ही कलराज अपने मंत्रालय के जरिए सूबे के लघु और मध्यम उद्योगों को भी बदहाली से निजात दिलवाने का दावा कर रहे हैं। आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश की जनता के साथ विश्वासघात कर रही है, उत्तर प्रदेश जनता के साथ जाति कर रही है, माँ बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रही है और पूरे प्रदेश को अंधेरे में ढकेल दिया है, इन सारी चीजों को लेकर अपने जागरूकता के कारण, जुझारूपन के कारण भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया है, आंदोलन किया है और आज महिलाओं के द्वारा भी इस प्रकार का स्वरूप निर्माण करने का प्रयत्न कर रहे हैं, ताकि लोग अनुभव कर सकें कि घर में रहने वाली महिलाएं भी निकलकर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा निर्माण की गई दुर्दशा का जबरदस्त विरोध कर रही है। बदायूं की घटना पर यूपी की सरकार विपक्षी दलों के निशाने पर है और इसे लेकर सरकार विपक्षियों पर सवाल खड़े कर रही है। समाजवादी पार्टी सरकार का कहना है कि बदायूं में जरूरी कार्रवाई से लेकर CBI जांच तक का कदम उठाया गया, ऐसे में विपक्ष सिर्फ सियासत कर रहा है। जो बदायूं में घटना हुई है दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, हम लोग सब लोग दुर्भाग्यपूर्ण घटना ऐसे मानते हैं और इस पर कार्रवाई भी बहुत सीधे कर दी गई है और अब कुछ लोग ऐसे बिना मतलब तूल दे रहे हैं, जबकि जो भी मांग की गई वो भी पूरी कर दी गई। CBI की मांग थी, CBI भी कर दी, मुलजिम भी पकड़ गए और जो लोग वहां पर राजनीति करने गए हैं, अब इन्हें याद होना चाहिए इनके समय में कितनी घटनाएं हुई हैं। पुलिस की बढ़ती गुंडागर्दी पर नकेल कसने के लिए अब यूपी प्रशासन कमर कस चुका है।
यूपी पुलिस के एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत अब सभी थानों में सीसीटीवी के जरिए पुलिस कर्मियों पर कड़ी नजर रखी जाएगी और किसी तरह के गलत पुलिसिया रवैये पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। इस मुहिम की शुरुआत हुई कानपुर से, जहां के चेकरी थाना में तैनात एक महिला सिपाही और पुरुष सिपाही को दुर्व्यवहार के चलते सस्पेंड कर दिया गया। दोनों पर फरियादी से गलत व्यवहार करने का आरोप है, जिस पर कार्रवाई करते हुए कानपुर एसएसपी अजय मिश्रा ने दोनों को सस्पेंड कर दिया। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हमारे जनपद के 6 थाने हैं, कहन थाना है, रेल बाजार है, चकेरी है, गोविंद नगर है, बर्रा है और नवस्था। ये 6 थाने इस आधार पर चिन्हित किए गए हैं कि यहाँ सबसे ज़्यादा जनशिकायतें हमारे पास आती हैं। इन सभी 6 थानों पर प्रत्येक थाने में 4 कैमरे के हिसाब से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। भले ही लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद सपा के कार्यकर्ताओं में उदासी छाई हो, लेकिन बांदा के सपा कार्यालय में जश्न का माहौल है। इस जश्न की वजह यह है कि पहली बार किसी शख्स को राज्यसभा में पहुंचने का मौका मिला है। इस मौके पर सपा कार्यकर्ताओं ने आपस में मिठाइयां बांटकर खुशियां जाहिर की। एसपी सिंह बघेल बहुजन समाज पार्टी में से पहले वो राज्यसभा सदस्य थे, वो इस्तीफा देके भारतीय जनता पार्टी के टिकट से लड़े थे और हमारे अच्छे से भारतीय जनता पार्टी टिकट से एसपी सिंह बघेल हारे। वो सीट रिक्त हुई है, उसी सीट के लिए प्रदेश में एक सीट थी तो हमें टिकट घोषित किया गया है। बधाई देते हैं अपने उत्तर प्रदेश के माननीय विधायकों को, सदस्यगणों को, कि उनके द्वारा, उनके सहयोग द्वारा हम राज्यसभा भेजे जाएंगे। हाथरस के सासनी थाना क्षेत्र में बदमाशों ने एक ट्रक लूट लिया और ड्राइवर को गांव फिरोजाबाद के खेतों में बंधक बनाकर डाल दिया। दरअसल अलीगढ़ से एक कैंटर लोडर करीब 60 टन परचून का सामान लेकर सिकंदरा राव कासगंज के लिए जा रहा था। जब ये ट्रक अलीगढ़ के थाना अकराबाद क्षेत्र के नानाओं के पास आया, तभी 44 सवार बदमाशों ने ट्रक को जबरन रोक लिया और ड्राइवर राजकुमार को मारपीट कर 44 में डाल दिया और ट्रक को लूट ले गए। ग्रामीणों ने आवाज सुनकर ड्राइवर के हाथ पैर खोले। घटना की जानकारी के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। ग्रामीण आके टॉर्च मारी, उनने रोकी, मैंने पता नहीं अधिकारी कौन है, सेल्टेक्स वाले कौन है, रोकते बस बोलते मारना हिलना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ? उसके बाद उसने 44 में डाल दिया, आंखें बांध दी, पीछे हाथ बांध दिए। जी आए थे और हमारे ताऊ उनके लड़का यहाँ भिंडी वो खुदी नरा रहे थे, वो हमारे पास गए थे कि ऐसे ऐसे एक लड़का वहाँ बना पड़ा, उसको कोई खुद देखो, उसको जो घर मेरे को हाथ पाए मेरे खोलो। जब हाथ में और बाबा आए, जब उन्होंने जिन्ने को खोला, माल छह करीब हुआ 60 टन के लगभग माल भेजा, 70 क्विंटल कीमत, कीमत नियंत्रण माल परचून माल में कीमत का कोई अंदाजा नहीं होता उसमें। परचून माल में आपने भेजा था? हाँ जी, हाँ जी। वहीं हाथरस के सिकंदरा राव थाना क्षेत्र में एक कार ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक पर 3 भाई सवार थे, जिनमें 2 भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई, एक भाई घायल हो गया। दरअसल किशन पाल सिंह अपने भाई रसन और गया प्रसाद के साथ भतीजे की शादी के कार्ड बांटने निकला था। मोटरसाइकिल पर जा रहे थे नगला बोसी शादी कार्ड देने, पीछे से इंडिका गाड़ी ने मतलब इनको मार दिया, इसमें 2 खत्म हो गए, सबूत हो गया, वहीं पे थाने पे गाड़ी पकड़ी गई है। एक फोर व्हीलर है, 2 मोटरसाइकिल, 3 लोग हैं बाइक पे। अच्छा, 2 एक्सपायर है। हाँ, ये सही था, जब मान लो सही था तो यहाँ लाना पड़ा।